दोस्तों, आज के समय में सभी लोग किसी न किसी रूप में मांसाहारी भोजन का सेवन जरूर करते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य है मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की पूजा करता है, क्या ऐसे मनुष्य की पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन स्कंद पुराण और भगवद गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। स्कंद पुराण काशी खंड तीसरे अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को न तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और न ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। साथ ही स्कंद पुराण में एक प्रसंग का और वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब एक बार सभी देवतागण काशी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बाघ जैसा हिंसक पशु भी घास खा रहा था। इसके अलावा स्कंद पुराण में यह भी बताया गया कि यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु होने को हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं है, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की भक्ति या पूजा स्वीकार नहीं करते जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करते हैं मैं न तो उनकी पूजा स्वीकार करता हूँ और न ही उनको अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी से यह कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशुओं के मांस का सेवन करता है मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी और कोई भी नहीं। इसके अलावा भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है, जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपने इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागी बन जाता है और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या मुझे याद करता है तो मैं उसके पास नहीं जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, न कि इंसानों के लिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को तीन भागों में विभाजित किया है, जो कि राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन है। जिसके अनुसार सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि प्राप्त और तृप्ति प्रदान करने वाला है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है कि नहीं, इसके बारे में कई लोगों को भ्रम है और इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों को धर्मशास्त्र में वर्णित ज्ञान का न होना। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि वेद मांस भक्षण को जायज बताता है, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि पाप की श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भगवद गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर, अश्व अथवा अन्य किसी पशु का मांस का सेवन करता है या उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं। यजुर्वेद में बताया गया कि सभी मनुष्यों को परमात्मा के सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के समान तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वे अपने जैसे हित चाहते हैं उसी तरह अन्य का भी हित करें। अर्थवेद में कहा गया कि मनुष्य तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय खाद्य पदार्थों का भाग है। तुम किसी भी नर या मादा की कभी हिंसा मत करो। वह लोग जो नर एवं मादा भ्रूण और अंडों के नाश उत्पन्न हुए मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। इसके अलावा ऋग्वेद में बताया गया कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है, मनुष्य को उनके समान सभी चार पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। वहीं गरुड़ पुराण में भी भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है या फिर मदिरा का सेवन करता है उसकी भक्ति या फिर पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते और ऐसे मनुष्य को ना ही कोई देवता मदद करते हैं, बल्कि मनुष्य को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करे ताकि उसके जीवन काल और मृत्यु के बाद भी ईश्वर की शरण मिल सके। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य स्वाद के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करता है उसे मृत्यु के बाद पशुओं की उसी योनि में कई जन्मों तक भटकना पड़ता है और वह भी उसी तरह मारा जाता है जिस तरह खाने के लिए उसने पशु को मारा था। इसलिए मित्रों, यदि आप पूजा या फिर ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो फिर मांसाहार का सेवन करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार भोजन को वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं माना गया है, यह मनुष्य को कई तरह के रोगों से भी ग्रसित कर देता है। और जहाँ तक धार्मिक मान्यताओं की बात है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसे भी हम धर्म से जुड़ी हुई कुछ आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।